हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स। दिस इज पुष्पेंद्र सिंह परिहार। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आरएस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आरएस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आज मैं सोर्सेज नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा आपको आरएस के लिए पढ़ाई कैसे करी जाती है। खूब सारे दोस्त हमारे चालू कर देते हैं, आरएस का सिलेबस देखते हैं, नहीं देखते हैं, किताबें ले आते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं। जी नहीं, ऐसे आरएस क्रैक नहीं होगा। आरएस को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको बुक्स वगैरह डिफाइंड करनी पड़ेंगी, स्पेसिफिक सोर्स रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं गलतियाँ बता देता हूँ, बच्चे क्या गलती करते हैं। अगर किसी लेक्चर का एजुकेटर का लेक्चर देखा यूट्यूब पर या कहीं पर भी XYZ और किताब वगैरह भी मंगवाई, एक मंगाई, दो मंगाई, तीन मंगाई, ठीक है, सोर्सेज हम खूब सारे कर लेते हैं। सोर्सेज डिफाइंड करिए, स्पेसिफिक करिए, ठीक है। हिस्ट्री, स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो जो भी आप, जो भी टीचर को आप फॉलो करते हैं या फिर बुक्स से आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ एक ही सोर्स पे रहिएगा। 90% आपका, 90-95% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। जो 5-10% के लिए आप अलग अलग चीजों के लिए जो दौड़ते हैं उसको मत दौड़िएगा, वो किसी का सही नहीं होगा, किसी का सही होगा, किसी का नहीं होगा। लेकिन आपका जो 90% जो आप पढ़ रहे हैं, मतलब हर टीचर जो कुछ पढ़ाएगा उसमें कुछ ना कुछ 5-10% वेरिएशन होता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो उस 5-10% के लिए मत भागिएगा, सिर्फ 90% पर ही स्टिक रहिएगा उससे। और जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल हैव चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चालू कर देते हैं। आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है मेंस के लिए। मेंस की तैयारी करी जाती है हमेशा की, आपको तैयारी करनी है मेंस के लिए। अब मेंस के लिए आपको कैसे, मेंस के बारे में जनरली लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ। मेंस में टोटल जीएस में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे 10 सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। आरएस की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दिस इज पुष्पेंद्र सिंह परिहार। आरएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा 30 सेकंड में आरएस का। इसको कंडक्ट कराया जाता है आरपीएससी के द्वारा, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मीन्स राजस्थान लोक सेवा आयोग। हर साल बोला जाता है लेकिन हर साल पेपर तो नहीं होता है, हमको पता है। चलिए कोई बात नहीं, प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रीलिम्स 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 200 मार्क्स में हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। ये क्वालिफाइंग टाइप का नेचर का हमारा प्रीलिम्स होता है, जिसमें 1.33 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस पॉजिटिव मिलता है और 0.44 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई भी एज ए जनरल की हम बात करें, अगर आप 50-55% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं 200 में से, तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स की। लेकिन अभी आपको प्रीलिम्स का नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ मेंस का। मेंस का क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, वो तो आपके मेंस से कवर हो ही जाएंगे। जनरल साइंस कवर हो जाएगा आप लोगों का, बहुत थोड़ा बहुत सिलेबस बचेगा जैसे कि, और बल्कि आप मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत चीजें बचेंगी, वो हम प्रिपेयर करा जा सकता है बाद में भी, नोटिफिकेशन के बाद भी प्रिपेयर करे जा सकता है वो चीज। और टाइम हमारे पास बचेगा मेंस कवर होने के बाद में, उसके बाद में हम प्रीलिम्स का पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो 200 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के 4 पेपर, यानी कि 800 मार्क्स हो गए हमारे मेंस में। ईच पेपर होगा 200 मार्क्स का, GS 1, 2, 3, 4 जिसको हम बोलते हैं, और इंटरव्यू होता है हमारा 100 मार्क्स का। जो मेंस क्वालिफाई करेगा उसको चांस दिया जाएगा, जितनी सीटें होती हैं नॉर्मली 3 times कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा जाता है। अब ये मत बोलिएगा अभी 2 times सेलेक्ट करें तो उस पर रिट लग चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है, आपने किस बेसिस पर 2 times अभी जो 2018 वाले बच्चों को सेलेक्ट करा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मेन्स की। मेन्स में जैसा कि मैंने आपको बताया 4 सब्जेक्ट होते हैं, GS 1, 2, 3, 4। हिंदी का 4th नंबर का जो GS 4 पेपर होता है, ये वो पेपर है रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप एसडीएम बनने का ड्रीम देख रहे हैं
तो ये वही पेपर है फोर्थ नंबर का। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नॉर्मली आप हर पेपर में 80, 90, 100 मार्क्स लेकर आएंगे, लेकिन इस पेपर में आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे 110 प्लस, जाने वालों के 130 नंबर भी जाते हैं। याद रखिएगा जो 130 लाएगा वो टॉप 50 में आ जाएगा। अब आप जितना ज़्यादा ये प्लस में 110 के बाद में जितना प्लस के अंदर जाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सेलेक्शन के, ना सिर्फ सेलेक्शन के टॉप 50 रैंक में आने के लिए, ठीक है। जनरल की अगर हम बात करेंगे तो अप टू 45 तक रैंक तक SDM की पोस्ट खत्म हो जाती हैं, और SDM के बाद में जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ASP होता है, ठीक है, उनकी पोस्ट 72-75 जनरल के रैंक तक खत्म हो जाती है। तो इतनी रैंक लाने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। यही वो पेपर है हिंदी का और इंग्लिश का जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। 120 नंबर की यहाँ पर हिंदी आती है और 80 मार्क्स की इंग्लिश, ये दोनों क्लब कर 200 मार्क्स 300 मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं। अब मैं इन पेपर्स के बारे में आपको थोड़ा डिफाइन करता हूँ। हर एक पेपर में 3 यूनिट आती हैं और हर यूनिट लगभग उसमें एक सब्जेक्ट ही होता है हर यूनिट। जैसे कि GS पेपर 1 की हम यहाँ पर बात करेंगे तो GS पेपर 1 के अंदर यूनिट नंबर 1 है हिस्ट्री। अब जो यूनिट होती है इनको भी कैटेगराइज करा जाता है इनके सब पार्ट्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पेपर वन की हम बात करेंगे। पेपर वन की यूनिट 1 हिस्ट्री। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसको हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के में हम कवर करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, जिसके अंदर इंक्लूड हो जाता है आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह, मतलब इतनी सारी चीज़ें राजस्थान की हिस्ट्री में आ जाती हैं, यहाँ की डायनेस्टीज वगैरह। फिर पार्ट बी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री, और पार्ट सी में मॉडर्न हिस्ट्री। वहीं हम जाते हैं फिर यूनिट सेकेंड के ऊपर, तो यूनिट सेकेंड आ जाती है हमारी इकोनॉमिक्स की, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी, सी, जिसमें इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट 3 की हम बात करेंगे पेपर 1 के, तो उसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है। सोशियोलॉजी पार्ट ए में एक सेपरेट सब्जेक्ट है, पार्ट बी मैनेजमेंट आ जाता है, एक सेपरेट सब्जेक्ट कह सकते हैं, और पार्ट सी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो GS पेपर 1 के अंदर हमने अभी तक देखा GS पेपर 1 में कितने सारे यूनिट हैं, 3 यूनिट हैं। जितने भी GS 1, 2, 3 की बात करते हैं तो हर में 3 यूनिट हैं और उसके सब पार्ट्स हैं, कई में पार्ट्स हैं कई में नहीं है। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है। कई एस्पायरेंट्स साथ में जॉब करते हैं अपनी प्रिपरेशन के, कुछ सिर्फ सॉलिड प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। अगर जो बच्चा कोचिंग वगैरह जाता है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, आपको स्पून फिटिंग हो रही है, आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं वो कोचिंग नहीं कर पाते, बहुत सारे कारण है उसके, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट पर फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, और मानिएगा ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है RAS की अगर मैं बात करता हूँ जो फ्री सोर्स पे अवेलेबल नहीं है। कंप्लीट सिलेबस आपका अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस नहीं, कोर्स अवेलेबल है, ये ढूंढना आपको पड़ेगा। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगला लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें मैं सोर्स बताऊंगा आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद कवर करवाऊंगा अगले 8 महीने में। मेरा एम है अगले 8 महीने में कोर कॉन्सेप्ट्स चैनल पर सारे के सारे मैं सब्जेक्ट्स कवर करवा दूंगा, ठीक है, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। GS पेपर 1 में हमने देख लिया हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद में क्या था, इकोनॉमिक्स के बाद में सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। 3 यूनिट हो गई, 3 यूनिट्स 200 मार्क्स की, 3 घंटे का पेपर। चलिए आगे चलते हैं, ही हम यूनिट GS पेपर 2 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब GS पेपर 2 की यूनिट 1 में आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ठीक है, जिसके आर्ट्स वगैरह है, जिसने एथिक्स पढ़ रखा है उसके लिए अच्छा है। बाकी नॉर्मली देखे जाते हैं खूब सारे कैंडिडेट्स आजकल के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता, ठीक है। तो आपको पहले ही कवर कर लेना है नोटिफिकेशन से पहले एथिक्स। उसके बाद में आता है यूनिट सेकंड में हम देखने को मिलता है हमको साइंस एंड टेक और जनरल साइंस, दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें यूनिट सेकंड में।
साइंस एंड टेक में हमारे आ जाते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये साइंस एंड टेक के। और जनरल साइंस जो हमको अप टू क्लास 10th तक की होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है। नॉर्मली आजकल का ट्रेंड बदलता रहता है। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, आपको लास्ट के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। कैसे सॉल्व करना है उसके लिए बने रहिएगा, आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। और जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में हमारी मतलब ज्योग्राफी आ जाती है, जिसमें पार्ट है वर्ल्ड, पार्ट बी इंडिया और पार्ट सी में आ जाता है राजस्थान, ठीक है। तो अभी अभी हमने जीएस सेकंड के लिए पेपर देख लिया, उसमें हमारी 3 पार्ट्स हैं, 3 यूनिट है। यूनिट 1 में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स थी, ठीक है, और यहीं पे हमारी सेकंड में थी साइंस एंड टेक, और थर्ड में हमारा क्या था, थर्ड में थी हमारी ज्योग्राफी। चलिए ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक से सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके वन बाय वन कवर कराने लग जाऊंगा। 3 लेक्चर्स हम लोग रोज का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर में मेरी जो स्ट्रेटर्जी है वो ये है, 1 लेक्चर हम लेंगे राजस्थान का, 1 लेंगे हम इंडिया का। राजस्थान में हम चालू करेंगे इंडियन राजस्थान हिस्ट्री, पर डे का 1 लेक्चर होगा, पर डे का 1 लेक्चर हम लेंगे, संडे या मंडे ये लेक्चर रोज होगा। उसके बाद में हम अगर यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं राजस्थान की, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी चालू करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की, और फिजिकल ज्योग्राफी से चालू करते हैं, इसका भी ऑलमोस्ट होगा 1 लेक्चर पर डे का। 2 लेक्चर्स हमारे हो गए, इसके अलावा जो तीसरा लेक्चर होगा वो होगा मैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, मैं बच्चों को, जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करे क्या, लेकिन बहुत लाइटली लेते हैं बच्चे, आप समझते नहीं है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने से पहले ही अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत प्लस में हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ सपोज करिए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो तकरीबन 1500 MCQs होते हैं, 1500 प्लस MCQs हो जाएंगे आप लोगों के पास में। और इसी के साथ में मैं बताऊं, ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज करो, और इसमें 4 ऑप्शन है ABCD। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोगों ने गूगल में सर्च करा और देख लिया, उस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया, फिर भी 3 ऑप्शन बचे। अब आप इन 3 के बारे में सर्च करिए, तो आपकी कितनी चीज़ें प्रिपेयर हो गई, 4 चीज़ें प्रिपेयर हो गई एक ही क्वेश्चन से। तो आपके MCQs यहाँ पर 1500 सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर आपके MCQs 6000 प्लस MCQs सॉल्व हो जाएंगे आपके। करंट अफेयर उस टाइम के जो प्रीवियस ईयर के हैं वो नहीं करना है, करंट के जो टॉपिक पूछे गए होंगे, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं 2010 का अगर पेपर उठाते हैं और उसमें आपसे पूछा गया हो जैसे कि आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन थे उस टाइम के, तो वो कोई मतलब का नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन स्किप कर देंगे। तो ये वाला हमारा एक पर डे का प्रीवियस ईयर पेपर का PYQ उसका लेक्चर आएगा RS के स्पेसिफिक में, ये भी 1 लेक्चर पर डे का आएगा। इसके अलावा मैंने चालू करी थी एक सीरीज एनवायरनमेंट की, वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, और अभी ACF का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो एग्जाम से पहले मैं कवर करवा दूंगा। मैं वापस से उस एनवायरनमेंट के लिए वो चालू करूंगा सीरीज को, जिसमें एनवायरनमेंट साइंस के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। इसके अंदर 50-60 क्वेश्चंस पर लेक्चर के मैं करवाता हूं, तो मैं ट्राई करूंगा 2-3 लेक्चर्स पर वीक के अकॉर्डिंग 150 प्लस क्वेश्चन पर वीक के सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम कब होगा, मान के चलिए जनवरी फरवरी से पहले नहीं होगा, इतना मान सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तक तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो 3 लेक्चर तो ये श्योर हैं जो आपको 4-5 अक्टूबर के बाद से देखने को मिलेंगे, और ये जो वीक है इसमें मैं पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्री की मेंस की सोर्स
क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आपका सॉल्व करवाऊंगा, ये सब आपको बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जीएस पेपर 3 की। जीएस पेपर 3 बहुत बड़ा यूनिट आ जाती है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 की यूनिट 1 क्या है, इसमें है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आईआर आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो ये अलग से सेपरेट सब्जेक्ट हो चुका है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक साथ मत उठाइएगा, एट ए टाइम दो या तीन चीज़ें पढ़िएगा। और ये जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हम ट्राई करेंगे इसको अराउंड 40 डेज में, 40 डेज में, 40 से 50 डेज मान लीजिए, ठीक है। इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसको पूरा का पूरा, जब ये हमारी सीरीज लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की पूरी कवर हो जाती है उसके बाद में हम चालू कर देंगे, या पहले भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आया मुझे, मेरे पास में, तो मैं पहले भी शुरू करवा सकता हूँ। क्या चीज़, जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं इथिक्स की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, ऑडिटिंग की, मैं वो सब्जेक्ट चालू करवा दूंगा। ये तो साथ में चलता ही रहेगा, जैसे राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट होते ही राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। इस टाइप से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे और 8 मंथ्स में पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। और ये आपको 3 से 4 लेक्चर्स पर डे के, डेली के, आपको 100% श्योरिटी के साथ में देखने को मिलेंगे। चलिए, जीएस 3 के बारे में बता रहा था, बहुत बड़ा सिलेबस है, पॉलिटी का बहुत इंटरेस्ट आता है, लोग देखना चालू करते हैं। फिर जिसको पॉलिटी, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, वो डिबेट्स वगैरह देखने लग जाता है किस पर, अर्णब गोस्वामी के साथ में, रिपब्लिक भारत, आज तक कोई मतलब का नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। आपको देखना है, आप न्यूज़ देखिए 15 मिनट की, डीडी न्यूज़ 8 बजे से लेकर 8:15 तक हिंदी में, और वहीं 15 मिनट की, अगले 15 मिनट 8:15 से 8:30 तक इंग्लिश में। उसके अलावा आप करंट अफेयर के लिए जा सकते हैं राज्यसभा टीवी पर, या फिर कोई सी भी एक मैगजीन ले लीजिए, मैगजीन भी लेना पड़ेगा, अखबार भी पढ़ना पड़ेगा। राज्यसभा टीवी को फॉलो करिएगा, और इस यूट्यूब वगैरह और वगैरह को सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। चलिए, यूनिट 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनिट 2 की बात करते हैं हम। तो इसमें आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। वो वाला मैनेजमेंट थोड़ा अलग था, ये वाला है तो वही, मतलब कई सारी चीज़ें उसमें भी कवर हो जाती हैं, लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है यूनिट 2, और यूनिट 3 हमारी बहुत सिंपल सी, छोटी सी दिखने में लगती है, जो कि है स्पोर्ट्स एंड योगा, पार्ट ए। पार्ट बी है बिहेवियर, और पार्ट सी है लॉ का। तो ये सब चीज़ें अपन कवर करेंगे, मैं सब कुछ कवर करवाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा और साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज करिएगा। ये श्योरिटी है कि अपकमिंग 8 मंथ्स में मैं पूरा का पूरा आरएस का सिलेबस कवर करवा दूंगा कोर कॉन्सेप्ट्स चैनल पर। और मेरे साथ में मेरी कई दोस्त जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्द आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पर एक पूरी स्पेसिफिक टीम देखने को मिलेगी कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। पेपर 4 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, वही 120 नंबर की हिंदी और 80 नंबर की इंग्लिश। जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, अभी से प्रिपेयर करेंगे, लास्ट के 3 महीने में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद में मेंस के बीच में हमको 3 महीने का वक्त मिलता है। उन 3 महीने में अगर आप इन सब्जेक्ट्स को उठाने लगे तो सिलेबस हो गया फिर। और फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब करेंगे, आंसर राइटिंग की जब नहीं होती है, जब होता है रिवीजन, इस टाइम पे आपको करनी है प्रैक्टिस। जितना लिख सकते हैं, है ना, जितना लिख सकते हैं उतना आप लिखिएगा आंसर राइटिंग क्या, ठीक है, जितना जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिएगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, ठीक है गाइस। अगर आपको, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं coreconcept09@gmail.com पर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हमारा टेलीग्राम का लिंक, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे जो भी पढ़ा रहे हैं उन एजुकेटर्स जो मेरे साथ में जुड़ेंगे, जो लेक्चर्स लेंगे, या फिर मैं कोई लेक्चर लेता हूँ उसकी PDF वगैरह। और मेरे साथ में जुड़ जाइएगा,
और ये सब चीजें मैं श्योरिटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे मेल करिएगा, हम लोग फोन पे भी बात कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। 12 आवर्स के अंदर 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 मैं कोशिश करता हूँ आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। कभी कभी टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश है, मैं बहुत जल्दी क्वेरीज का कोई भी डाउट होता है वो क्लियर कर देता हूँ। आशा करता हूँ अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी एस्पायरेंट्स हो, मैं पूरा का पूरा RS मेंस का और प्री का कोर्स कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।